A block of mass m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle with the horizontal as shown in the figure. एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, उसमें एक रस्सी भी बंधी हुई, आदमी उसको कोई रस्सी को पकड़ करके खींच के ले जा रहा है, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बन रहा है जिस एंगल का मेजरमेंट थीटा दिया गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, अब इस फोर्स के कारण कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है ब्लॉक, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, एक्सेलरेशन a है ब्लॉक का, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। क्या समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम अब बहुत जरूरी है, यह मास एम हम लोग का है, मास एम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बिना यह क्वेश्चन नहीं बन सकता है। टेंशन जो है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेट इसका किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में, एंड नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। नॉर्मल फोर्स, तीनों फोर्सेस को मैं लिखता हूं, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है क्या होगा? कैपिटल एम है इसका मास, तो कैपिटल एम इंटू जी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है मास एम का, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? टेंशन। ठीक है, अब टेंशन को दो पार्ट में हम लोग रिसॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट, लेट मैं ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। टेंशन का दो पार्ट में जब रिजॉल्व करेंगे तो पहला पार्ट को मान लो क्या है, मानना नहीं है एक्चुअली, दिया हुआ है, एक इस डायरेक्शन में आएगा एंड दूसरा ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, एक वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। ब्लैक से नॉर्मल पर ड्रॉ किया है एंड टेंशन को रिसॉल्व किया है मैंने ग्रीन कलर से, तो ये क्या होगा टी, यह एंगल अगर थीटा है तो टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? टी साइन थीटा। और कोई फोर्स है क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर? डिसाइड करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। डायग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगेगा, लगना ही लगना है, फोर्स नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अपोजिट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, तो एक्स कॉम्पोनेंट टेंशन का क्या होगा? टी कॉस थीटा, एंड वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा? टी साइन थीटा। आप बोलोगे क्यूब ब्रेक किया एक्स कॉस थीटा एंड वाई कॉस थीटा के फॉर्म में, मतलब इस डायरेक्शन में क्यूब ब्रेक किया, एम जी को इस डायरेक्शन के अलोंग क्यों नहीं ब्रेक किया? तो हम लोग को जिधर आसानी होती है उसी डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, जिधर आसानी होती है, सिर्फ टी को ब्रेक करना पड़ा। अगर इसको रिसॉल्व, टी को रिसॉल्व किया, टेंशन को अगर रिजॉल्व किया तो सिर्फ टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ गया, अगर एम जी और एन को रिजॉल्व करने की कोशिश करते टेंशन के डायरेक्शन में तो दो रिजोल्यूशन करने पड़ते ना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, तो आसान वाला काम करते हैं। नाउ सी, वर्टिकली डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, तो नॉर्मल फोर्स प्लस टी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट इक्वेशन नंबर वन, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? टी कॉस थीटा जो है फोर्स, यह अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, टी कॉस थीटा, इसके कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना है? एम इंटू ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इंटू ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां से हम लोग को टी मिल जाएगा, टी क्या मिलता है? एम इंटू ए डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। ओके, इक्वेशन नंबर टू से टी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एन भी मिल जाएगा, क्या मिलेगा? एन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी साइन थीटा होगा, एंड टी की जगह मैं ये लिख देता हूं एम इंटू ए इन डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम ब्रैकेट के अंदर जी माइनस ए टेन थीटा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में जी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, तो
फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग कितना है, टी के बराबर है, जो कितना है एम इंटू ए इंटू डिवाइड बाई कॉस थीटा। फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग टी, टी किसके बराबर है, एम इंटू ए डिवाइड बाय कॉस थीटा। एंड नॉर्मल फोर्स कितना आया है, एम ब्रैकेट में जी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा।